लोग तो कभी सोचे नहीं थे, आज मौका मिला है जगन्नाथ के पास आने के लिए। वो तो जगन्नाथ है, सबके लिए सबका दुख हरते हैं, तो हम लोग आए हैं। आप वो तो जगन्नाथ जी सब कुछ है, और सिर्फ ओडिशा के लिए नहीं, वो जगत का नाथ है इसीलिए जगन्नाथ है। वो हम हर साल सोचते हैं, इस साल जगन्नाथ जी का डोरी लगा हम लोग आए, तो बहुत मतलब खुशी लग रहा है। और माहौल तो सर अभी आप भी देख रहे हैं कितने लोग, और तो आधा घंटे एक घंटे में ये पूरा फुल हो जाएगा ये एरिया, और निकल भी नहीं पाएंगे यहाँ से। देखिए, ये रथ यात्रा में भगवान के साथ साथ और सारी चीज़ जो है ये भी एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है, और ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ये सेकेंड टाइम मैं यहाँ आ रहा हूँ, और जब भी आता हूँ तब भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का जो दर्शनार्थी हैं, जो व्यवस्था है सरकार की तरफ से, जो भी अरेंजमेंट किया गया है, जो कवरेज है, इवन घर में बैठ के भी जो हम लोग देखते हैं, वो भी यहाँ रहने का फील मिलता है। देखिए, खींचने का तो मौका नहीं मिला है तो वो फील मैं नहीं बता सकता हूँ, बट मैं यहाँ से बैठ के जब देखता हूँ और जब रथ निकल के आगे चल जाते हैं, तो लगता है कि लोगों में जो उन्मादना है, जो भी एनर्जी और जो भी उनका भक्ति भावना के साथ जो वो लोग खींचते हैं, इसमें ये एक डिवाइन एक्सपीरियंस महसूस फील होती है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, आई बाय दिस डे बिकॉज आई हैव दर्शन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, एंड देन विद माय फ्रेंड्स विद ऑल पीपल वी विल हेल्प जगन्नाथ go to Vrindavan and meet with Shrimati Radharani. And Господь Lord Chaitanya Mahaprabhu stay in Jagannatha Puri so many years. And Chaitanya Mahaprabhu have very deep feels to Krishna, Jagannath. And Chaitanya Mahaprabhu give us very beautiful Maha Mantra. This mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jai Jagannath. I happy. Я первый раз. First time. I happy. Jagannath my kumir, my lord Jagannath. I'm very happy because only this time Lord Chaitanya is Bhagavan, and Jagannath is Bhagavan, and I very want to feel a little bit what feel Lord Chaitanya when he was dancing to Jagannath, when he is dancing to Jagannath. It's very nice when so many devotees Jagannath, so many devotees Krishna, and they love Jagannath, and it's love, it's energy, the energy come to our hearts. And we very happy. We cannot go inside temple, but we cannot read his books and know what's there. And it's we very happy. You are not allowed inside temple, but God is coming outside. Yes, he comes out. He is coming outside for us. You are very happy. Yes, I'm very happy. To be honest, मेरे लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है जगन्नाथ जी टेम्पल। वेन एवर आई एम सफरिंग फ्रॉम समथिंग, सो मेरे को हमेशा ऐसा रहता है कि मैं जगन्नाथ जी के टेम्पल आ जाऊँ और मेरे सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। तो जैसे कहा जाता है कि जगत के नाथ है वो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे आके उनका दर्शन करके मैं रथ खींच पाती हूँ, तो ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और बाकी बस यही हो रहा है कि उनका सेवा हमेशा मैं करते रहूँ, क्योंकि मेरे पापा दादू सब आते रहे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, तो मैं भी इस पीढ़ी को आगे बढ़ाते रहूं और अच्छे से उनका आशीर्वाद रहे। जय जगन्नाथ। ऐसा लगता है कि इतने बड़े ठाकुर होके भी सबको दर्शन देने वो बाहर आते हैं, तो तब तो अलग ही लगता है। हम लोग को पहले से ही रहता है एक्साइटमेंट की रथ यात्रा आ रहा है, हमें जाना है, दर्शन करना है। उनका बहुत अलग संपर्क है, जो एक्चुअली इस वर्ल्ड पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे वो समझ सकता है कनेक्शन उनके साथ। जब दर्शन करते हैं तो जो फीलिंग आती है, पूरी में पैर रखते ही वो एक ऐसे फीलिंग आ जाती है कि एक तीर्थ स्थल पे हम आ चुके हैं। जिनके नसीब पे रहता है उनको यहाँ पे मिल जाता है, पर जिनके नहीं है वो भी फिर भी, अब कोई दूर है तो वो भी कर सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मिला गया कि वहाँ से दर्शन कर लें। बिकॉज मन से करने से चाहे आप यहाँ रहें चाहे आप कहीं और रहें, एक ही बात होती है। हमारे गुरु जी के कृपा से ये हमारा सौभाग्य है कि जगन्नाथ जी का दर्शन हमको मिलेगा। हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से आए हैं,
और बहुत श्रद्धा से हम लोग चाह रहे हैं भगवान जी दर्शन दे अच्छे से, और उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके दर्शन चाहते हैं। सौभाग्य है हमारा कि इतना उनके दर्शन के लिए तरस रहे हैं, और वर्णना के लिए मेरे ये छोटे से मुख से कुछ है ही नहीं। देखिए वो दिल से जहाँ भी हैं उनको दर्शन ही मिल रहा है, समझ लीजिए। जो भक्त दिल से आए हैं समझ लीजिए उनको सब दर्शन ही हो गया है। मैं हरि हूँ, जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा जी के पहली बार दर्शन करने आया हूँ अपनी मम्मी के साथ, और हम सालों साल वेट करते हैं। पूरा भारत यहाँ पे आज पहुँचा हुआ है, 25 लाख लोग कह रहे हैं आया है यहाँ पे, और अभी हम वेट कर रहे हैं, जगन्नाथ जी बस आने वाले हैं। हम इतने खुश हैं कि भगवान की अपार कृपा है। वैसे तो हम यहाँ पहुँचने ही लायक नहीं है, लेकिन भगवान की अपार कृपा है कि हम यहाँ खड़े हुए हैं और धाम को स्पर्श करते हुए उसकी रज हम माथे पे लगा रहे हैं। और जगन्नाथ जी का मैं अपनी मम्मा के साथ वेट कर रहा हूँ बाहर। जगन्नाथ जी डांस करते हुए आएंगे अभी बैक एंड फोर्थ, एंड पूरा वर्ल्ड यहाँ पे, पूरी दुनिया यहाँ पे खड़ी है, और अद्भुत नज़ारा है यहाँ पे। आई एम एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्र एंड गॉडेस सुभद्रा, एंड आई कम हियर एवरी डे रथ यात्रा टू पे माई ओबेजेंस। द लॉर्ड जगन्नाथ इज द ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ द अर्थ, बिकॉज ही इज द ओनली गॉड हु कम्स आउट एंड मीट्स हिज डिवोटीज इन मिलियंस। इन एवरी अदर टेम्पल यू हैव टू गो एंड विजिट, सो एवरी बैरियर इज ब्रोकन। पीपल ऑफ ऑल कास्ट्स, ऑल रिलीजियंस, ऑल फेथ्स, ऑल नेशनैलिटीज थ्रंग हियर ऑन द रथ यात्रा to give their obeisance and to pay their respects to Lord Jagannath. And another important point, Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Goddess Subhadra, their brothers and sisters, everywhere the concerts are worshipped, here the brothers and sisters are worshipped. So at a time when the joint family and extended family are under challenge, this is a constant reminder that the Lord himself lives the life of a human being. He suffered last 10 days, he was ill. Now he has recovered yesterday, Navajavan Darshan, and he has now come out to meet his devotees. ये सौभाग्य है हमारा कि आज हम जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है उसमें शामिल हो रहे हैं। एक बचपन से ही उत्कंठा थी, चूँकि मैं उड़ीसा से नहीं हूँ। आज मुझे सौभाग्य मिला कि मेरा यहाँ पोस्टिंग है और मुझे आने का सौभाग्य मिला, मैं उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं इतने लोगों को संभालना और पूरी सफलता के साथ अपने रथ यात्रा का संपादन करना, एक बहुत ही एक कठिन कार्य है। तो मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हैं, और मैं सभी जो डिवोटी हैं जगन्नाथ जी के उनको बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। मुझे पूर्व में भी आप जानते हैं केवल रथ यात्रा कल यही नहीं होती है, आप विदेशों में भी जाइए वहाँ भी रथ यात्रा होती है, जो इंडिकेट करता है कि कितने अनुयायी ईश्वर की को पालन करते हैं। ईश्वर का शायद यही संदेश है कि सभी को अधिकार है उन्हें उनकी पूजा करने का, उनको मानने का, और वो ईश्वर किसी भेदभाव में विश्वास नहीं करते हैं।